मंगल मैत्री टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारे रिवीजन पार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सेकंड टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले हैं, यानी कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हमें एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, N2 plus H2 gives out NH3, और हमें बोला गया है कि हमें इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं हमारे पास, जिनको आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर वन, जो भी केमिकल रिएक्शन हम लोगों को गिवन की है, हम लोग सबसे पहले उसके लिए एक टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल किस तरीके से, टेबल के पहले कॉलम में आएगा एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है। दूसरे कॉलम में आएगा रिएक्टेंट, जिन रिएक्टेंट को लेकर के हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं। अगर आपको रिएक्टेंट नहीं लिखना है तो आप इसको LHS लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोडक्ट, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं लिखना है तो आप RHS लिख सकते हैं। अब हम लोग इस टेबल को फिल करेंगे किस तरीके से। टेबल में नंबर वन पॉइंट रहेगा हमारा एलिमेंट। एलिमेंट है हमारे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसके अलावा और कोई एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। रिएक्टेंट की बात करेंगे, नाइट्रोजन है 2, और अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे नाइट्रोजन है 1। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, रिएक्टेंट में है 2 और प्रोडक्ट में है 3। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है सबसे पहले वन बाय वन एलिमेंट। सबसे पहले कोशिश ये करनी है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है पहले उन्हें बैलेंस किया जाए। आफ्टर दैट हम लोग हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन को, यहाँ नाइट्रोजन है 2, हम लोग 1 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि 2 हो जाए, तो 1 2 जा 2, यानी कि प्रोडक्ट साइड में जहां नाइट्रोजन है वहां पर अगर हम लोग 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 नाइट्रोजन रिएक्टेंट में और 2 नाइट्रोजन प्रोडक्ट में। अगर हम लोगों ने यहां नाइट्रोजन में 2 की मल्टीप्लाई की है तो नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो हमें उसमें भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, ये हो जाएगा 6। अब अगर यहां पर 6 बन गया है तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2 और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट था उसको हम बैलेंस कर चुके हैं, तो अब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहां है 6, 2 में कितने नंबर की मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, यानी कि रिएक्टेंट में जहां हाइड्रोजन है वहां 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी है 3 की। तो जो रिएक्शन हमें गिवन की गई थी उसकी फाइनल इक्वेशन है N2 plus 3H2 gives out 2NH3। तो ये बेसिक रूल होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के। सबसे पहले हम लोग टेबल को फॉर्म करेंगे, फिर जो अनबैलेंस कंपाउंड है उनको बैलेंस करेंगे, और साथ ही एक चीज का और ध्यान रखना है, जो भी नंबर की मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं आपने ध्यान रखना है उसे हमेशा कंपाउंड के आगे लिखा जाता है, कभी भी कंपाउंड के बीच में या कंपाउंड के लास्ट में उनको मेंशन नहीं करना है। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हम लोगों को दिया है H2 plus O2 gives out H2O और हमें कहा गया है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो हम लोगों ने अभी बात करी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल फॉर्म करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए एलिमेंट, LHS यानी कि रिएक्टेंट साइड, RHS यानी कि प्रोडक्ट साइड। अब हमें देखना है हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो हमारे पास एलिमेंट है यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 2, प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 2, यानी कि हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, यहाँ ऑक्सीजन है 2 लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है 1, इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे बैलेंस नहीं है। हमने पहले पॉइंट के अंदर डिस्कशन किया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट भी प्रेजेंट है पहले उन्हें बैलेंस करेंगे, लास्ट में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन डिसबैलेंस है, हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, 1 2 जा 2, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। अब जहां हमने ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई की है 2 की, उसके आगे वो नंबर लिखना पड़ेगा, तो RHS यानी कि प्रोडक्ट में हम लोग लिख देंगे 2, क्योंकि हमने पूरे कंपाउंड के आगे 2 लिखा है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगी। हाइड्रोजन में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 की हो जाएगा 4। जैसे ही यहां पर 4 आएगा LHS डिसबैलेंस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस LHS को बैलेंस करेंगे। किस तरीके से, हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, इससे दोनों तरफ ही हमारा कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4, यानी कि LHS में जहां पर हाइड्रोजन है वहां पर भी मल्टीप्लाई होनी है 2 की। तो ये फाइनल रिएक्शन बन के आई है हमारे पास इस गिवन कंपाउंड के लिए। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों के लिए यूजफुल रहे होंगे। आप लोगों ने और कुछ क्वेश्चंस को अपनी NCERT बुक से लेकर के उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करनी है, ताकि आप लोगों को यह अच्छे से क्लियर हो पाए कि किस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पहले किसी एलिमेंट को बैलेंस करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।